विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर 59 प्रांतिक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र मूलक के द्वारा 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया जाएगा, जिसमें रामटेक के सांसद श्याम कुमार बर्वे सहित पूर्व मंत्री सुनील केदार एवं पूर्व जिला अध्यक्ष रश्मि बर्वे नामांकन के समय उपस्थित रहेंगी। यह जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से रामटेक कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश राउत ने दी है। रामटेक विधानसभा चुनाव में महायुति में बगावत होने के बाद अब महाविकास आघाड़ी में भी बगावत हो गई है। रामटेक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी का साथ छोड़कर अकेले चुनाव में कूदने का मन बना लिया है। इसी को लेकर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं सहित जनप्रतिनिधियों ने राजेंद्र मुल्लक को समर्थन देने का फैसला किया है। आपल्यापाशी एकच मार्ग आहे, ते म्हणजे राजेंद्र मुळक साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्व लोक तयार आहोत अशा उद्देशानं चर्चा झाली। केदार साहेबांनी बोलणं झाल्यानंतर केदार साहेबांनी सांगितलं का उद्या नामांकन भरण्याच्या टायमामध्ये आपल्या रामटेक लोकसभेचे खासदार आदरणीय बबलूजी बर्वे आणि आदरणीय माजी मंत्री केदार साहेब हे उपस्थित राहणार आहेत। कण भरतीवेळेस सर्व जिल्हा परिषदचे आजी माजी सदस्य पक्षाचे आणि पंचायत समितीचे सन्माननीय सभापती आणि सर्व पंचायत समितीचे सदस्य आणि जेवढे काही काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत हे सर्व टोटली उद्याच्या नामांकन भरतीवेळेस उपस्थित राहणार आहेत।